सात दिन में ये वाले हमारे एक सप्ताह बन जाए, बाकी जितने बचे हैं 31 अक्टूबर तक शिविर लगेंगे। स्वास्थ्य संचालनालय ने डॉक्टर जीसी चौरसिया को सीएचओ पद से हटाकर जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट विभाग में पदस्थ किया है। शुक्रवार को जारी आदेश में सेंसर बीएमओ डॉक्टर एनके शास्त्री को सीएमएचओ की कमान सौंपी गई है। सीएमएचओ डॉक्टर चौरसिया के स्थानांतरण के एक दिन पहले गुरुवार को रामाकोना में लगे जनसेवा शिविर से जोड़कर देखा जा रहा है। शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान योजना के कार्ड न बन पाने पर सीएमएचओ डॉक्टर चौरसिया को मंच पर बुलाकर फटकार लगाई थी। मंच से मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचे लोगों से पूछा था कि आयुष्मान योजना के कार्ड किसके नहीं बने हैं, जिस पर लोगों ने हाथ उठाकर कार्ड नहीं बनने की जानकारी उन्हें दी थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक व्यक्ति के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इसके लिए निकायों के साथ समन्वय बनाकर लोगों को लाभ देने निर्देशित किया था। अब दूसरे दिन ही सीएमएचओ को हटाए जाने को लेकर विभाग सहित प्रशासनिक गलियारों में चर्चा चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम से थी सीएमएचओ की नजदीकी। स्थानांतरित किए गए सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया करीब 3 साल से यहां पदस्थ थे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से उनकी नजदीकियां हमेशा चर्चा में रहीं। बताया जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर चौरसिया साथ में पड़े हैं, यही वजह है कि स्थानीय भाजपा संगठन की नाराजगी के बावजूद भी वे यहाँ डटे रहे। इकतीस अक्टूबर तक एक एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बन जाना चाहिए जो पात्र है, और उसके बाद अगर मुझे कोई बिना बने मिल गया तो ठीक नहीं होगा। सबके बताओ आयुष्मान कार्ड की अपनी योजना में